नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट मिलियनेयर की इस सीरीज में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने हिस्टोरिकल चार्ट्स को स्टडी किया था और देखा था कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे, जब हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो किस तरह से उस इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके ये एनालाइज करते हैं कि कौन सी कंपनी का शेयर आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से सस्ता है और भविष्य में उसमें आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी रेशो की, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो की, मतलब उस शेयर में एक रुपया कमाने के लिए हम उसको कितने गुना कीमत देने के लिए तैयार हैं या कितनी एक्स्ट्रा कीमत देने के लिए तैयार हैं। पी रेशो को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला हमने समझा है वो है शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो है कंपनी की टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के बाद ही आप पी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपका जो टोटल अर्निंग है वो कहाँ मिलेगी, वो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका नेट प्रॉफिट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, जितने नंबर ऑफ शेयर हैं उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो आपका ईपीएस आता है। ध्यान रखिए, अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितनी अर्निंग देती है जिसके इन्वेस्टमेंट के बदले। यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है, जितनी भी इनकम जनरेट करती है, वो सारा का सारा प्रॉफिट कभी भी शेयर होल्डर को नहीं देती है। कंपनी उसमें से बहुत सारा प्रॉफिट अपने पास रखती है जिसको वो इन्वेस्ट करती है फ्यूचर के लिए या अपने एक्सपेंशन में इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से पी रेशो कई बार बहुत अधिक नहीं होता कंपनी की एक्चुअल अर्निंग से अगर हम कंपेयर करें। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कैसे निकालते हैं, वो होता है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन और करंट प्राइस पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर आते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर अगर हमें निकालने हैं तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को हम डिवाइड करेंगे करंट प्राइस पर शेयर से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। इसीलिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आपको टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कैलकुलेट करना है, उसके बाद अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है और अर्निंग पर शेयर से पी रेशो कैलकुलेट करना है। तो पी रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दो कैलकुलेशंस को भी ध्यान से चेक करना है और उसके बाद हमें कंपेयर करना है सेम इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनीज के शेयर प्राइस में, तभी आप राइट कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि किस कंपनी का जो पी रेशो है वो कम है या ज़्यादा, या इंडस्ट्री से अगर हम कंपेयर करें तो उस कंपनी का शेयर का जो पी रेशो है वो कम है या ज़्यादा, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और बहुत सारे फंडामेंटल है जिनके बारे में हम अगली क्लासेस में बात करेंगे। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ की ओर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग की राइट स्ट्रैटेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा मिथ मार्केट में है कि अगर पी रेशो कम है, मतलब 10 से नीचे है, तो आपको शेयर खरीद लेना चाहिए। पी रेशो अगर 20 से ऊपर है या 30 के आसपास है, 20 से 30 के बीच में, तो शेयर बहुत महंगा है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि कंपनी का जो पी रेशो है वो ज़्यादा होने के बाद भी वो कंपनी आपको ग्रोथ देने की संभावना रखती है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कंपनी का पी कम होने के बावजूद भी उस कंपनी में पैसा अटक जाता है या आपका शेयर का प्राइस घट जाता है, आपको लॉस हो जाता है। आइए मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए हम तीन कंपनीज का कंपेरिजन करते हैं। फर्स्ट कंपनी है XYZ, सेकंड कंपनी है ABC और थर्ड कंपनी है ZX। तो तीनों कंपनी की जो अर्निंग है वो 100 रुपी है, मतलब तीनों कंपनी सेम 100 रुपी कमाती हैं। तो पहली कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1000 है, दूसरी का 1500 और तीसरी का 2000 है। तो पहली कंपनी मतलब XYZ कंपनी की कैलकुलेशन करेंगे तो 1000 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 10, मतलब यहां पर पी 10 आ रहा है। दूसरी कंपनी का जो पी कैलकुलेट करेंगे उसका शेयर प्राइस है 1500 डिवाइड बाय 100, तो उसका पी जो आता है वो 15 आता है। तीसरी कंपनी जो ZX कंपनी जिसका शेयर प्राइस 2000 रुपये है और उसकी अर्निंग भी 100 है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करके चेक करेंगे तो इसका पी 20 आता है। इसका मतलब अगर इस ग्राफ को आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधी सी बात है, एक कंपनी 100 रुपये की अर्निंग देती है 1000 रुपये के शेयर पर, तो यहाँ पर पी जो 10 है वो कम है, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी कंपनी में वो पी बढ़ गया, मतलब आपका रिस्क और बढ़ गया, केवल 100 रुपये की अर्निंग के लिए आपको 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर पी ज़्यादा है, इसीलिए इस कंपनी का शेयर खरीदने में आपको कम प्रॉफिट होगा। और जो तीसरी कंपनी है यहाँ पर शेयर प्राइस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो शेयर प्राइस 2000 है, अर्निंग वो सेम है 100, तो यहाँ पर पी 20 आ गया। इसका मतलब जो तीसरी कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। फाइन, तो ये तो रहा एक सिंपल स्ट्रेटेजी जिसको सभी लोग स्टडी करते हैं, जिससे कई बार हमें नुकसान हो जाता है, हम ठीक से समझ नहीं पाते। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा देखा गया है कि कंपनी का पी रेशो हाई होने के बावजूद भी वो कंपनी अच्छा रिटर्न देती है, क्योंकि
वहाँ पर ग्रोथ की संभावना बहुत बड़ी होती है। चलिए दोबारा से हम एक कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख रुपए है और उसको अगर आप किराए पर देते हैं तो उससे मिलने वाला जो रेंट होगा वो आपको 10,000 रुपये पर मंथ होगा। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसकी कीमत 25 लाख रुपए है और वहाँ पर अगर 25 लाख की प्रॉपर्टी को आप रेंट पर देते हैं तो आपको 15,000 रुपये रेंट प्राप्त होगा। इसका मतलब अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में केवल 25% की वृद्धि कर दें, मतलब 20 लाख से 25 लाख अगर आप कर दें, तो 25% आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया प्रॉपर्टी में, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग में 50% की ग्रोथ हो गई। इसका मतलब जो 25 लाख वाली प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा बेस्ट प्रॉपर्टी है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं जिनमें भविष्य में ग्रोथ की संभावना और कई गुना ज़्यादा होती है। मान लीजिए वो 20 लाख की प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर है जिसमें अगले 20 साल तक कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं आना, कोई भी नया गवर्नमेंट की स्कीम नहीं आनी, कोई बेनिफिट नहीं आना, कोई रोड वहाँ से नहीं निकलना, कोई कंस्ट्रक्शन वहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं होना, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ नहीं होना, तो उस प्रॉपर्टी की ग्रोथ भी होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी जो 25 लाख रुपए की है, वहाँ पर भविष्य में वहाँ पर हेलीपैड बनने वाला है, वहाँ पर पास में मेट्रो का प्रोजेक्ट आने वाला है, वहाँ एक इंडस्ट्री लगने वाली है, तो उस प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद भी, पी ज़्यादा होने के बाद भी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के बाद भी, वो हाई रिटर्न देती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमें कंपैरिजन को समझना होगा। मतलब केवल पी रेशो के आधार पर हम किसी भी कंपनी में निवेश करने का जो फंडामेंटल बना लेते हैं या जो हम अपना डिसीजन बना लेते हैं, ये बहुत गलत है। केवल पी रेशो के आधार पर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। पी रेशो कम है तो शेयर सस्ता है, पी रेशो ज़्यादा है तो शेयर महंगा है, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सारे कंपैरिजन में देखा गया है कि पी रेशो ज़्यादा होने के बाद भी वो कंपनी अच्छा रिटर्न देती है। इसका मतलब पी रेशो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए केवल पी रेशो ही काफ़ी नहीं है, हमें बहुत सारी चीज़ों को और चेक करना होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे और बाकी कौन कौन सी रेशोज़ हैं जिन्हें हमें ठीक तरीके से चेक करना चाहिए और तब हम एक कंक्लूज़न निकालें कि इस शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आप इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को सीखकर अपनी इन्वेस्टमेंट को तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं तो पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।